नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सरोज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, दोनों क्या नहीं है। आज मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा और उनके इलाज करने के बारे में कि दोनों में अलग अलग मेडिसिन यूज होंगी या एक ही मेडिसिन यूज होंगी, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं अपनी एक सिंगल वीडियो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बना रहा हूँ, उसका लक्षण क्या है और उसका इलाज। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अगली वीडियो तो हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं थायराइड ग्लैंड क्या है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड ये हमारे नेक रीजन में सिचुएटेड होती है। सबसे पहले होता है लैरिंक्स, जिसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। उसके बाद होता है ट्रेकिया, उसके ठीक नीचे ट्रेकिया रीजन में होती है। ये ट्रेकिया, ये विंड पाइप बोलते हैं। इन दोनों साइड में दो लोब होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, जो दोनों एक दूसरे इस्थमक के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ डिपेंड होती है और हमारे मूड को भी ऊपर ये ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है बहुत ज़्यादा हमारे मूड को रेगुलेट करता है, इसलिए ये ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो T3 T4 का के ऊपर होता है और T3 T4 जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए TSH हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये T3 T4 पे कंट्रोल बनाए रखता है कि ये दोनों हार्मोन्स कम भी ना बॉडी में सिक्रीट हो और ज़्यादा भी ना हो। ये T3 T4 हार्मोन जो है TSH के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं। TSH हार्मोन जो है वो हमारे ब्रेन में एक छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे ये सिक्रीट किया जाता है, उससे ये प्रोड्यूस्ड होता है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है जो इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। दोस्तों, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन निकलता है तो सिर्फ उसका यही काम होता है T3 T4 को बैलेंस बनाए रखना, ना ही ज़्यादा रिलीज हो ना ही कम प्रोड्यूस हो। दोस्तों, जब हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत होती तो T3 T4 का जो सिक्रीशन वो या तो कम होगा या बिल्कुल उसी रेंज में रहेगा, लेकिन TSH का बढ़ा हुआ रहता है तो हमको ये महसूस हो जाता है कि हमको हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है। जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें T3 T4 या तो नॉर्मल रेंज में होगा या कम होगा और TSH जो है वो हमेशा बढ़ा हुआ उसमें आएगा। सिमिलर हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में TSH का जो लेवल होता है वो कम होता है और T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि TSH क्या करता है अभी आपको बताया, TSH रेगुलेट करेगा। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH हमेशा कम रहेगा और T3 और T4 का रीजन बड़ा हुआ हम देख सकते हैं जब ब्लड रिपोर्ट कराएं। दोस्तों, जब हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत होती तो हमारे अंदर कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा शरीर थकावट होना, डलनेस बहुत ज़्यादा होना और जॉइंट्स में पेन, पूरी बॉडी दर्द करना, मसल पेन, पीरियड की इरेगुलरिटी हो जाती है, घबराहट होने लगती है, नींद कम आती है, खून की कमी हो जाती है, इसको एनीमिया होते हैं। जब ये सिम्टम्स आपको आए, थकावट हो, नींद कम आए, घबराहट हो, तो आप अपना ब्लड रिपोर्ट जरूर कराएं। ब्लड टेस्ट जब आपका थायराइड फंक्शन कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है। ये सिम्टम जरूरी हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार के बच्चों में क्या होता है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, डेंटिशन दांत कम निकलते हैं, प्यूबर्टी उनकी बहुत देर में आती है, ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपरली उनका नहीं हो पाता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे मैंने आपको बताया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो टोटलिटी के आधार पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। पहली मेडिसिन जनरल मेडिसिन होगी जो सबको दी जाएगी, वो दो मेडिसिन होंगी। एक होगी ट्यूबरक्लाइनम 1M मेडिसिन। जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो ट्यूबरक्लाइनम 1M की एक डोज आपको लेनी है और 24 घंटे तक आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है। उसके बाद दोस्तों आएगा थायरोडिनम 3X में। थायरोडिनम 3X की दो दो गोलियां दिन में 3 बार आपको लेनी रहेंगी। ये जनरल मेडिसिन है, ये हर पेशेंट को लेनी ही लेनी है। उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मेडिसिन होंगी उनके बारे में बताऊंगा। जैसे थर्ड मेडिसिन है कलकेरिया कार, ये उन लोगों के लिए होती हैं जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी, फ्लैबी, मोटे होते हैं, सुस्त रहते हैं, ये उनके ऊपर सूट करती है मेडिसिन।
जिनको बहुत ज़्यादा चार अनडाइजेस्टिबल फूड खाने की आदत होती है, जैसे चार हो गया, मिट्टी है, चूना है, ये चीज़ें जो लोग खाने की आदत बार बार नहीं होती है, ये कैल्केरिया कर 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट जिम में डाल के आप ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है CPR-30। ये उन लोगों के लिए दी जाती है जो लोग पतले दुबले हों, चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो, अगर उनकी तबीयत खराब रहती है तो उनको मन ये करता है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति बैठे ना, उनसे दूरी बनाए रखे, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। और उनकी पीरियड की रेगुलरिटी भी रहती है इसमें, उनको ये हमेशा लगता है कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अगर ये सिम्टम आता है तो आप CPR-30 में दिन में 3 से 4 गुण डायरेक्ट टंगे ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलेकाडेकंटा 30 पोटेंसी। ये मेडिसिन बेसिकली वेट कम करने के लिए होती है। ये मेडिसिन जो फैटी फ्लैबी लोग होते हैं जिनका पेट बाहर क्यों निकला हुआ लटका हुआ रहता है, ये उन लोगों के लिए मेडिसिन सूट करती है। ये भी दिन में 3 से 4 दिन आप डायरेक्ट टंके ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आएगी पराइटा का 30 पोटेंसी में। ये बेसिकली बच्चों के लिए देते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं ये उनके लिए मेडिसिन देते हैं। अब आती है पल्सर किला 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन बेसिकली जो है बहुत गुड लुकिंग लेडी के लिए होती है, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। अगर उनकी तबीयत ख़राब है और वो रूम में लेटे हैं बैठे हैं, तो उनको ये मन करता है कि मेरे पास आए कोई बैठे मुझसे बातचीत करे। अगर ये सिम्टम आ रहा है तो आप पल्सेटिला दें। पल्सेटिला 30 में भी पेशेंट जो ये पल्सेटिला 30 के पेशेंट को दी जाएगी उनमें भी पीरियड इरेगुलरिटी की दिक्कत होती है, तो ये मेडिसिन आप रेगुलर लें। आपको 1.5-2 महीने आप मेडिसिन को खाएं, उसके बाद अपना टेस्ट जरूर कराएं, आपको 100% आराम मिलेगा। दोस्तों इन सब मेडिसिन को आप 1.5 से 2 महीने यूज करें, उसके बाद अपना टेस्ट कराएं। और एक सलाह मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं इसके साथ में, जैसे डायबिटीज़ की है, BP की है या अन्य कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो हार्मोनल जो मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन एकदम से बंद नहीं करना। एकदम से बंद करेंगे तो बॉडी फैटल हो सकती है, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मेडिसिन जो भी आप ले रहे हैं वो रेगुलर लेते रहें, इस मेडिसिन से खाने का थोड़ा उसका अंतर कर दें, और वो मेडिसिन जो आप ले रहे हैं चाहे BP की है, शुगर की है, कोई भी मेडिसिन है, तो वो आप धीरे धीरे कम करेंगे। अगर आप थायराइड की भी मेडिसिन ले रहे हैं तो भी धीरे धीरे कम करें। एकदम से बॉडी में क्या फ्लक्चुएशन हो सकता है बंद करने से, एकदम से मेडिसिन बंद करें बॉडी फ्लक्चुएट करेगी, आपका थायराइड बहुत बड़ा हुआ निकल सकता है। इसलिए शुगर, BP, थायराइड का कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो धीरे धीरे डोज कम करते रहें, एकदम से बंद नहीं करनी है। और दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और अगले बार मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और मेरे चैनल को जो पहली बार देखें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।